अज की वीडियो ते जिन्हें अमल कर लिया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। एक खरा सौदा जिस फायदा ही फायदा है तो कोई नुकसान नहीं। गुरु नानक साहब ने खुद सौदा किया, देख लो वो दुनिया तो चले भी गए हैं लेकिन अज भी उन्होंने कारोबार वध रहा वै तो वाधा ही रहेगा, वो कभी रुकेगा भी नहीं तो उस फायदा ही होएगा। पहले वीडियो देखने हैं, बाकी गल्लां असीं बाद विच करांगे। श्री गुरु नानक देव जी जदों 17 साल दे हो गए सी तां पिता मेहता कालू जी ने गुरु जी नूं आख्या कि तुसी हुण वड्डे हो गए हो, कुछ धन कमाणा भी सिखो। अंत पिता जी ने वपार करन लई बालक नानक जी नूं 20 रुपए दिते अते कहा कि तुसी हुण इन्हां रुपयां वल्लों एक छोटा जिहा वपार शुरू करो, मुनाफा होण उत्ते मैं तुहाडी लगातार सहायता करदा रहांगा। मैनू पूरी आस है कि एक दिन तुसी बहुत वड्डे वपारी बन सकते हो। बहुत समझा बुझा के एक सहायक के रूप में गुआंढियां दा मुंडा जिसका नाम बाला सी, जो कि बालक नानक जी का बचपन का मित्र सी, उन्हां दे नाल भेज दिता ताकि नानक जी नूं अपनी राय दे के सहायता भी करता रहे। हुण बालक नानक जी नूं पिता जी ने एक विशेष आदेश दिता कि पुत्र किथे धोखा नहीं खाना, खरा सौदा ही करना जिस विच मुनाफा निश्चित ही होवे। इस तों बाद दोने मित्र तलवंडी वलों गुआंढी नगर लई चल पए। रस्ते विच एक स्थान उत्ते सड़क दे कंडे उत्ते साधुआं दा एक डेरा विखाई दिता। नानक जी ने साधुआं दे दर्शनां दी इच्छा जाहिर कीती अते दोने साथी रस्ता छड्ड के साधुआं दे डेरे पहुँच गए। सारे साधु भजन विच व्यस्त सन। नानक जी ने उन्हां दे महंत वल्लों गलबात कीती। गलबात तो पता लगा कि यह साधु 4-5 दिनों तो भुखे हैं। गुरु जी ने सोचा कि इन्हां नूं भोजन छकाउण नालों होर किहड़ा नफे वाला सौदा हो सकता है। बालक नानक जी ने महंत नूं 20 रुपए दे दिते अते कहा, 20 रुपए दा लंगर परखण तो शुरू है जी, तुसीं इस वल्लों अपने भोजन का प्रबंध कर लवो। पर महंत जी ने पुछया, तुसीं इह रुपए सानू साधुआं नूं क्यों देना चाहते हो? जवाब विच नानक जी ने कहा, मैनूं पिता जी ने एक खरा सौदा करन लई भेजिया है। खरा सौदा मैनूं अजिहा लगदा है कि इस तों अच्छा खरा सौदा नहीं हो ही नहीं सकदा, इस विच मुनाफा ही मुनाफा विखाई देता है। तद महंत ने कहा, असी रुपए नहीं लैंदे, जेकर तुहाडी इच्छा है तो सानू अनाज लिया दिओ, असी आप भोजन तैयार कर लवांगे। यह सुन के नानक जी कोल दे नगर चूड़काने गए। उत्थों सारे प्रकार की रसद खरीद के एक बैलगड्डी विच लदवा के साधु सन्यासियों दे के वापस घर नूं परत आए। तलवंडी पिंड के नज़दीक पहुँचन उत्ते गुरु जी अपने पिंड की बाहर वाली चौपाल उत्ते बैठ गए अते बाले नूं घर भेज दिता। जदों पिता कालू जी नूं ज्ञात होया कि बाला परत आया है पर नानक जी का किते पता नहीं, तां उन्हां ने तुरंत बाले नूं सद के सारी जानकारी प्राप्त की। उन्हां नूं जिवें ही यह ज्ञात होया कि सारे रुपए नानक जी ने साधुआं नूं भोजन कराउण उत्ते खर्च कर दिते हन, तां उह गुस्से हो उठे अते नानक जी खोज विच चल पए। उन्हां दिनां भैण नानकी जी ब्याह दे बाद पहली बार पेके आई हुई सी। जिवें ही उन्हां नूं ज्ञात होया कि पिता जी क्रोध विच हन, तां भैण नानकी जी पिता जी दे पिछे पिछे चल पई। खोजदे खोजदे नानक जी पिता कल्याण चंद जी नूं सुक्के तालाब दे कंडे दी चुपाल उत्ते बैठे मिल गए। तद की सी पिता जी ने नानक जी नूं पुछया, रुपये कित्थे हन? इस उत्ते नानक जी शांत चित बैठे रहे, कोई जवाब नहीं पा के पिता कालू जी ने क्रोध विच आ के नानक जी दे गल उत्ते जोर वल्लों एक चपेड़ जड़ दित्ती अते फटकारन लगे। जिवें ही उन्होंने दोबारा चपेड़ लगाउण लई हत्थ उत्ते चुकिया, उदों भैण नानकी जी ने उन्हां दा हत्थ फड़ लिया अते आप अपने
प्यारे भरा अते पिता जी दे विच दीवार बन के खड़ी हो गई। पिता जी का क्रोध शांत होने नू नहीं आ रहा सी। अंत धी नानकी जी दे समझाउण बजाउण उत्ते नानक जी नू नाल लै के घर परत आए। यह घटना जंगल की अग की तरह सारे तलवंडी नगर विच फैल गई कि मैता कालू जी ने नानक जी की मार कुटाई की है। जिमें ही राय पलार नू यह घटना पता हुई, उन्होंने मेहता कालू जी नू सद भेजा। जदों पिता पुत दोनों राय पलार जी के सन्मुख मौजूद होए तो राय जी ने नानक जी उत्ते प्रश्न किया, नानक जी तुसी सारे रुपए फकीर उत्ते क्यों खर्च कर दिते? जवाब विच नानक जी कहन लगे, मैनू जाते समय पिता जी ने विशेष आदेश दिता सी कि वेखना पुत्र खरिया सौदा ही करना, इसलिए मैं अपने वल्लों बहुत सोच समझ के खरा सौदा ही किता है। बेशक इस विच मुनाफा ही मुनाफा है। मुनाफा ही मुनाफा। यह जवाब सुन के राय पुलार ने मैं तां कालू जी नूं कहा, मैं पहला भी कई बार कह चुकिया हाँ कि नानक जी वल्लों भुल के भी अभद्र सुभा नहीं करना, पर एक तुसी हो कि गल नूं समझदे ही नहीं अते अपनी मनमानी करदे हो। अज वल्लों एक गल गंठ वल्लू बन लो कि नानक जी जो भी कार्य करन उस विच रुकावट ना पाणा। जेकर तुहाडा कोई नुकसान हुंदा है तां मैं उस नुकसान की पूर्ति कर दिया करांगा। साह संगत जी, जेकर तुहानू इह साखी पसंद आई होवे तां बहुत वधिया, इस वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो अते कमेंट बॉक्स विच धन गुरु नानक देव जी जरूर लिखो। जी दोस्तों, देखिया तुसी कि गुरु नानक साहब ने यह सानू अपनी तालीमात तो दस्या है कि यह अल्लाह पाक की राह से खर्च करना, भगवान की राह से खर्च करने नाल इस तो वधिया कोई सौदा हो ही नहीं सकता। जिन्ना असी अल्लाह पाक की राह से खर्च करांगे उस तो ज़्यादा वह सानू नवाजेगा। असी उहदी मखलूक का ख्याल रखांगे, अगर उन्हें खाना खिलावांगे तो वह साडी जरूरत का ख्याल रखेगा, सानू उस तो ज़्यादा देगा। गुरु नानक साहब ने यह जड़ा सौदा किया इस कोई नुकसान नहीं है, बेशक इस कोई नुकसान हो भी नहीं सकता क्योंकि फायदे का ही सौदा है। गुरु साहब जरा लंगर उन्होंने 20 रुपए का अज तो 100 साल पहले शुरू किया, गुरु साहब का जरा 500 रुपए का लंगर जरा उन्होंने जोड़े हज़ार साल पहले शुरू किया, अज भी तुम देखो कि वह लंगर उस तरह चल रहा है। मुख्तलिफ मंदिर, गोल्ड टैंपल, दूसरे जोड़े मंदिर है उन्होंने लंगर दिता जाता, पहले वह घट तदाद लेकिन हूँ तुम देखो कि लखां लोग रोज़ाना उस लंगर तो खाना खाते है। ये कितों आता है जी इन्ना पैसा, इन्नी आवाम कितों आती है जी लंगर बनाती है? ये एक ऐसा सौदा जिस घाटा नहीं हो सकता, ये लंगर बढ़ रहा है मजीद दिन हर आने वाले दिन के नाल। अगर लख का बन रहा तो अगे अगे ज़्यादा हो रहा, इस कोई कमी नहीं आ रही, क्यों कि भगवान का अल्लाह पाक का लंगर है, इस इजाफा ही होएगा, एक घटेगा नहीं। लोग खुद अपने आप नूं आंदे है जिहड़ा अपना रिज़क दिंदे दान करदे है उह इजाफा हुंदा वै। तुसीं वी लंगर ला के देख लो, अल्लाह की राह ते देख के देख लो, तुसीं देखोगे तुहाडा रिज़क कम नहीं होएगा, उह ज़्यादा होएगा, इजाफा हो जाएगा, तो दिनां विच तुसीं कित्थों दे कित्थे हो जाओगे। यह अमीर होण दा तरीका है, अल्लाह मियां दी राह ते खर्च करो, अल्लाह पाक तुहानूं 10 गुणा ज़्यादा देगा। अगर तुसीं एक खर्च करोगे तो तुहानूं 10 गुणा मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स मैनू कमेंट करके लाजमी दसना, तो वीडियो नू शेयर ते दोस्तों।